वेलकम फ्रेंड्स, मैं शशांक सुखेजा आपका स्वागत करता हूं डेटा स्ट्रक्चर की इस सीरीज में। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर की तरह हम कैसे एक सी के कोड को फ्रेम कर सकते हैं। आज उसी कोड को, ये कोड जो लिखा हुआ है ये पिछली वीडियो का ही लिखा हुआ है, अब मैं इस सी कोड को चेंज करूंगा C++ कोड में। मैं एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को कन्वर्ट कर दूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। कैसे, चलिए देखते हैं। जितने भी ये फंक्शंस लिखे हैं वो किससे रिलेटेड हैं, इसी एक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, इसी एक स्ट्रक्चर से। तो अगर मैं इस कोड में इस स्ट्रक्चर को हटा के लिख देता हूँ क्या, क्लास, स्मॉल लेटर में रहेगा क्लास, तो लिख देते हैं क्लास, तो क्या बन गई, एक क्लास बन गई। अब क्लास के ये हैं, तो अब जब आपको ये पता है सारे फंक्शन इसी से रिलेटेड हैं तो हम इनको लिख देंगे एक ही साथ, तो क्यों अलग अलग लिखें। तो हमने क्या किया, हमने ये उठाया कोड, हमने इस रेक्टेंगल के अंदर ही इसके वेरिएबल्स इनिशियलाइज करिए और इसके काम इनिशियलाइज कर दिए। होगा क्या, समझिए, अब ये पूरा एक ही कोड है। अब इसमें हमको इनको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि हम इन मेंबर्स को बना देंगे प्राइवेट और इनको इस फंक्शंस को बना देंगे पब्लिक। तो अब होगा क्या, अब फंक्शंस को जब हमने पब्लिक बना दिया तो ये मतलब सबको अवेलेबल हैं। ये क्या है, सबको अवेलेबल हैं, और जब सबको अवेलेबल होती है कोई चीज़ तो वो उसके ऑब्जेक्ट को भी अवेलेबल होगी। अब कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, जैसे इस कोड में मैं यहाँ मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, ये स्ट्रक्ट रेक्टेंगल की जगह हम सिर्फ लिख सकते हैं क्या, समझिएगा, हम लिख सकते हैं रेक्ट आर। अब जब रेक्ट आर हमने बना दिया तो अगर हमारे पास ये फंक्शन है तो हमको इस स्ट्रक्चर को पास करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमको सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, हमको सिर्फ पैरामीटर्स लिखने पड़ेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं int of l, int of b, ठीक है। अब इसमें length equal to l, breadth equal to b, बस इतना बचेगा। क्यों बचेगा, इसकी मैं वजह बताता हूँ, क्योंकि देखिए जो स्ट्रक्चर है वो इसी के अंदर कंटेंड है। अब तो हमको यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, void area तो एक नॉर्मल कॉल लगेगी, चेंज ब्रेथ तो एक सिर्फ ब्रेथ के लिए एक नया पैरामीटर पास होगा, इसमें हम क्या कर देंगे int of b, और इसको हटा देंगे। अब हो क्या रहा है, देखिएगा ये ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे ही इस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बना देंगे r, एक ये कंफर्म स्टार्ट हो जाएगा, मेमोरी में ऐसा एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा जिसके पास इन ये सब रिलेटेड क्या हैं, फंक्शंस हैं। जैसे ही ये क्लास बनी r, तो r डॉट इनिशियलाइज में आपको सिर्फ क्या पास करने हैं, पैरामीटर्स पास करने हैं 20 और 10, एरिया में सिर्फ r पास करना है, r भी नहीं पास करना, सिर्फ एरिया का कॉल लगाना है और आपको यहाँ पे चेंज पैरामीटर पास करना है। वो क्या रहा है, समझते हैं r, तो इसको कॉल कैसे लगाएंगे, r डॉट। अब इसकी अलग से पहचान बन गई मेमोरी में r नाम से, ठीक है। तो r डॉट इनिशियलाइज, जैसे ही ये बना, ये एक स्ट्रक्चर बन गया r डॉट इनिशियलाइज, तो r डॉट यहाँ गए तो उसने बोला r वाला जो मेरा एक r वाला है स्ट्रक्चर है, जो क्लास है, जो एक बेस बना है, उसमें तुम लेंथ को l डाल दो और ब्रेथ को b डाल दो। तुमने पैरामीटर में l में 20 दिया, b में 10 दिया, तो यहाँ पे 20 चला गया, यहाँ पे 10 चला गया। अब जब 20 और 10 चला गया तो इसी फ्रेम के इसी डेटा मेंबर्स, क्योंकि ये इसके प्राइवेट मेंबर्स हैं, तुमने इनको इनिशियलाइज कर दिया 20 और 10 से, हो गए। अब एरिया आर डॉट एरिया मतलब इसी ऑब्जेक्ट का एरिया फंक्शन कॉल करो, ये हो गया। इसी के बाद ब्रेथ का फंक्शन कॉल करो, ये हो गया। तो क्या हमको अलग से हर के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ा, नहीं, हमको सिर्फ एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा और उसी ऑब्जेक्ट को हमने सारे फंक्शंस अलॉट कर दिए कि तुम्हारे काम हैं।
समझे, जैसे आप एक बैंक में जाते हो, बैंक में आपको एक फॉर्म दिया जाता है, आप उस फॉर्म को भर देते हो, तो बैंक के आप ऑब्जेक्ट बन गए, बैंक आपकी क्लास बन गई, और वहाँ जितने कर्मचारी हैं वो सबके लिए बन गए आप। तो होगा क्या, आप जाओगे कहोगे मेरे खाते का नाम, मेरे खाते का अकाउंट नंबर ये है, मुझे ये दो। तो तुम अपने खाते का अकाउंट नंबर दोगे तब तुमको तुम्हारा बैलेंस मिल जाएगा। तो बैलेंस हर आदमी के लिए है एक वेरिएबल, अमाउंट बैलेंस डिडक्शन सबके लिए है, पर डिनोट कौन कर रहा है, आपका ऑब्जेक्ट नेम मतलब आपका अकाउंट नंबर। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे किया कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का रेक्टेंगल, और हमको कुछ भी पास करना नहीं पड़ा। डेटा मेंबर्स को हमने प्राइवेट बना दिया, मेंबर फंक्शंस को, जो इन मेंबर्स के, इसको बोलते हैं डेटा मेंबर्स, क्या बोलते हैं डेटा मेंबर्स। अब इन डेटा मेंबर्स पे जो काम करते हैं उनको हम बोलते हैं मेंबर फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस। अब बोलो मुझे इनिशियलाइज भी नहीं लिखना, अब इनिशियलाइज नहीं लिखना। जैसे आप किसी बैंक में गए, आपने खाता खुलवाया, तो खाता खुलने के बाद आपको अकाउंट नंबर खुद ही मिल जाता है, और अकाउंट नंबर खुद ही मिलने के बाद उसमें खाते में जीरो चढ़ जाता है कि नहीं चढ़ जाता है। तो इसी तरीके से जब अगर ये हमारा रेक्टेंगल का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, मैं चाहता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वक्त, जैसे मैंने बोला मुझे 500 रुपये डालने हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया आर इक्वल टू 550, 10, मतलब मुझको ये लाइन लिखनी ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कुछ नहीं करना, इसको आपको हटा देना है। कैसे, इस नाम को हटा के आप बस लिख दीजिए क्या, क्लास का नाम रेक्ट, रेक्ट। तो रेक्ट क्या करेगा, रेक्ट कुछ नहीं होता है। रेक्ट अगर आपका एक फंक्शन का नाम उसी क्लास नेम के जैसा है तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट बनता है तो वो वैल्यूज प्लेस कर देता है, और यहाँ 50 चढ़ जाएगा और आपका यहाँ 10 चढ़ जाएगा। इससे होगा क्या, रन टाइम पे ही जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, पैरामीटर्स पास करोगे, वो ऑब्जेक्ट तुरंत इनिशियलाइज हो जाएगा उन्हीं पैरामीटर्स और उन्हीं ऑब्जेक्ट से। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर भी होते हैं, तो जब आप C++ पढ़ेंगे तो उसमें आप टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स के बारे में, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चलेगी, तो आप टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, जहाँ एक ही स्ट्रक्चर को हमने पैरामीटर्स की तरह या डेटा मेंबर्स की तरह इनिशियलाइज कर लिया, और उन पर जो भी फंक्शंस कर रहे हैं उनको मेंबर फंक्शन की तरह यूज़ कर लिया, क्योंकि हर डेटा मेंबर हर ऑब्जेक्ट के लिए उसके रिलेटेड डेटा मेंबर्स हैं। तो ये तुम एक्सेस नहीं कर पाओगे, ये बैंक के पास हैं, तुम्हारे पास क्या है, उनके एजेंट्स हैं जो तुम्हें काम करा रहे हैं, तुम जाओ बोलो, तुमको उन चीज़ों में मॉडिफिकेशन कर देंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।